जादुई दो मेकअप। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई दो मेकअप। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत ही धूमधाम से मेला चल रहा था और उस मेले में रूही अपनी माँ और बाबा के साथ घूमने जाती है। रूही अपनी माँ बाबा की एक मात्र बेटी थी। वो अपने माँ बाबा के साथ बहुत खुश थी। माँ माँ, मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे वो लॉलीपॉप खाने का बहुत मन कर रहा है। वो लॉलीपॉप लेकर दो। ठीक है ठीक है, तुमने जितना खाना है आज खा लो, कोई मना नहीं करेगा। ये लॉलीपॉप खाने बाद चलो, हम सब उस तरफ चलते हैं और झूला झूलाएंगे। वो तीनों बहुत ही मजे कर रहे थे उस मेले में। अचानक से रूही अपने माँ बाबा से बिछड़ जाती है। वो भीड़ में कहीं खो जाती है। माँ पापा, आप दोनों कहाँ हैं? मुझे आप दोनों क्यों नहीं मिल रही है? मुझे यहाँ से लेकर चाहिए, यहाँ इतने सारे लोग हैं। ऐसे ही रूही चिल्लाते रहते हैं, लेकिन रूही को अपने माँ बाबा नहीं मिलते हैं। रूही अकेले बैठ के रो रही थी, तभी वहाँ पर कोमल नाम की एक औरत आती है। वो रूही को रोते हुए देखकर पूछती है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हो और रो क्यों रही हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता मेरा माँ पापा कहाँ है। मैं अपने माँ पापा के साथ मेले पर घूमने आई थी, लेकिन अब मुझे मेरे माँ पापा नहीं मिल रहे हैं। मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें अपना घर का पता नहीं पता? तुम्हारे माँ बाबा ने कुछ तो कहा होगा ना कि तुम कहाँ रहते हो, वही बता दो। मुझे कुछ नहीं पता आंटी, आप मुझे मेरे माँ पापा के पास छोड़ दीजिए। ये सुनकर कोमल मन ही मन सोचती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस लड़की को नहीं पता इसके माता पिता कहाँ है और न ही इसके घर कहाँ की पता चलती है। मुझे भी एक छोटा सा नाक रहनी चाहिए। अगर मैं इसे अपने घर में काम के लिए रख लूं, तो इसे तनख्वाह देने की कोई जरूरत नहीं होगी और ये बाकी काम वाले की तरह घर से भागेगा भी नहीं, क्योंकि ये भाग के जाएगी कहाँ पर, इसे तो पता ही नहीं कि इसके माता पिता कहाँ है। ये सोचकर मन ही मन कोमल हंसती है और फिर बोलती है, चलो बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ पापा के पास लेकर चलूंगी। रूही कोमल की ये बात सुनकर उसे विश्वास कर लेता है और हंसी खुशी कोमल के साथ उसके गाड़ी में बैठ जाता है। फिर कोमल उसे लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल की एक छोटी बेटी भी थी, उसकी बेटी का नाम था टीना। कोमल एक बहुत ही ज्यादा निर्दय औरत थी। वो अपने काम वालियों पर बहुत अत्याचार करती थी। इसके कारण उसके घर कोई भी काम वाली ज्यादा दिन तक काम नहीं करती थी। कोमल की बेटी टीना वो भी बहुत ही बुरी किस्म की लड़की थी। वो गरीब लोगों को इंसान समझती नहीं थी। घर जाने के बाद कोमल रूही से बोलती है, रूही तुम्हें काम करना तो आता है ना? आज से तुम्हें इस घर की सारी काम करनी पड़ेगी। ये सुनकर रूही को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन आंटी आपने तो कहा था मुझे मेरे माँ पापा के पास लेकर जाएंगे, मेरे माँ पापा कहाँ पर है? ज्यादा बकवास मत कर, तुझे जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेगी, नहीं तो मैं घर से बाहर फेंक दूंगी तुझे और फिर तू बाहर कहाँ जाएगी? तुझे पता है तेरे माँ पापा कहाँ है? नहीं ना, तो मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही करेगी। आज से तू इस घर के सारे काम करेगी।
तभी तुझे खाना और सोने के लिए जाग मिलेगा। चुपचाप जाकर काम शुरू कर, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। रूही को कुछ समझ नहीं आता है, वो एक अनंत की तरह कोमल जैसे बोलती जाती है वैसे ही करती रहती है। उसे काम करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वो सारा दिन काम करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, उसे अब भी अपने माँ बाबा की याद आती है। छोटे से छोटी गलती के लिए भी कोमल और टीना उसे बहुत बुरी तरह से मारती थी। एक दिन वो खाना पका रही थी, तभी खाने में बहुत ज्यादा नमक हो जाता है। खाते बैठ के टीना बोलती है, माँ ये कैसा खाना बनाया है इस लड़की ने? ये खाना कोई खा सकता है क्या? खाने में कितना नमक है? ये बोलकर टीना वो गरम खाना रूही के चेहरे पर मार देती है और वो गरम खाना रूही का चेहरा पूरी तरह से जला देती है। रूही रोते हुए अपने चेहरे पर पानी देती है और फिर देखती है उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है, पूरा चेहरा जल चुका है और उसे बहुत जलन होती है। रूही अपने कमरे में जाकर रोती है। अगले दिन सुबह रूही को बाजार जाना पड़ता है। उसके चेहरे में बहुत जलन हो रही थी, लेकिन उसे कोई भी डॉक्टर या मलम पट्टी करके नहीं देता है। वो जब बाजार से लौट रही थी तो एक पेड़ के नीचे बैठती है थोड़ी देर आराम करने के लिए और वो रोती है। तभी उसे दिखाई देता है एक मेकअप, जो मेकअप बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। ये देख के रूही उस मेकअप के पास जाती है और उसे उठाकर घर चली आती है। उसने बहुत सालों से मेकअप नहीं किया था, इसीलिए वो खुशी से वो मेकअप उठाकर मेकअप करने लगती है। जैसे ही उस मेकअप से मेकअप करती है तो वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। उसके चेहरे की सारे जले हुए दाग गायब हो जाती है। ये देखकर ही बहुत चौंक जाती है, तभी उसे मेकअप से आवाज आती है, मैं हूँ जादुई मेकअप और मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम जब उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी तो मुझे लगा तुम्हें मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर गया था और तुमने मुझे देखकर अपने साथ लेकर आई हो। अब तुम मुझसे कोई भी एक चीज मांग सकती हो जो मैं तुम्हें दे दूंगी। रूही कुछ बोलने वाली होती है, तभी वहाँ पर उसके मालकिन की बेटी टीना आ जाती है और टीना उस मेकअप और रूही की खूबसूरती को देखकर बहुत आश्चर्य होती है और उससे पूछती है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इतनी खूबसूरत मेकअप मिली और तूने मुझे नहीं बताया? जल्दी से मुझे बता ये मेकअप तुझे कहाँ से मिला, मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी तेरे से ज्यादा खूबसूरत बनना है। रूही घबरा के टीना को सब कुछ बता देती है। टीना के मन में लालच आ जाता है और वो ज्यादा खूबसूरत बनना चाहती थी और इसीलिए वो उस पेड़ के पास जाकर झूठा नाटक करने लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी टीना के सामने भी एक मेकअप आ जाती है। टीना वो मेकअप लेकर घर चली आती है। घर आने के बाद जब वो उस मेकअप को अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती है तो वो देखने में बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। तभी उस मेकअप से आवाज आती है, मैं हूँ जादुई मेकअप, मैं बुरे लोगों को सजा देती हूँ, तुम एक बुरा इंसान हो, तुमने बेचारी रूही पर बहुत अत्याचार किया है और वहाँ पर झूठा नाटक करके रो रही थी। तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली। तुम अब हमेशा ऐसे ही कली और बदसूरत बन के रहोगे। ऐसा बोल के वो जादुई मेकअप गायब हो जाता है। अब टीना हमेशा ऐसे बदसूरत बन के रहती है और कोमल को अपने बुरे काम के लिए भी सजा मिल जाती है। अब वो कभी भी अपनी बेटी को खुश नहीं देख सकती है। दूसरी तरफ रूही उस जादुई मेकअप से मांगती है, जादुई मेकअप
मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे मेरे माँ पापा के पास लौटा दो। उसके बाद जादू मेकअप अपने जादू से रूही को उसके माँ पापा के पास लौटा देते हैं और रूही खुशी खुशी अपने माता पिता के पास चले जाते हैं।